नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पर गुरुवार को चर्चा के दौरान आजम खान की सांसद रमा देवी पर विवादित टिप्पणी पर रोष बढ़ता जा रहा है, जहां एक तरफ संसद में महिला सांसद आजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ आजम के बचाव में उनकी सांसद पत्नी तंजीम फातिमा उतरी है। चलिए एक बार और सुन लीजिए आजम खान के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी को। इधर बात कीजिए, मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं नहीं नहीं, ये नजर तो हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात। मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी जी, आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। ये बोलने का तरीका नहीं है, आप ये बात आप ये सब निकालिए रेकॉर्ड में से। जी हाँ, आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा उनके समर्थन में उतर आई है। आपको बता दें, आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा ने कहा है कि आजम खान के खिलाफ साजिश रची जा रही है ताकि संसद में वो बोल नहीं पाए। उन्होंने कहा है कि आजम खान को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जी हां, फातिमा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए उन पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। उर्दू भाषा में ऐसी मिठास है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है। उन्हें जयाप्रदा के मामले में भी फंसाया गया था। आजम खान ने कुछ गलत नहीं कहा और वो माफी नहीं मांगेंगे। आजम खान ने रमा देवी को अपनी छोटी बहन और प्यारी बहन कहा था। उन्होंने संसद में कोई भी विवादित बयान नहीं दिया, इसलिए माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सदन में आजम खान को बोलने नहीं देना चाहती है, इसलिए उन पर विवाद खड़े करने की कोशिश हमेशा करती रहती है। बता दें, इसी बीच रमा देवी ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर आजम खान पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं स्पीकर ओम बिड़ला का अध्यक्षता में सभी दलों की बुलाई बैठक में ये तय हुआ कि सोमवार को स्पीकर आजम को सदन में माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे और अगर आजम माफ़ी नहीं मांगते तो स्पीकर कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये होगा कि आजम खान सोमवार को माफ़ी मांगेंगे या फिर उन पर सदन कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि अगर आजम खान ने अपनी पत्नी के कहने अनुसार माफ़ी नहीं मांगी तो लोकसभा अध्यक्ष उन्हें विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगे। आजम खान इस नोटिस का जवाब देंगे, साथ ही कार्रवाई के रूप में आजम खान को पहले सदन की सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष आजम खान को दी गई नोटिस और मिले जवाब के प्रकरण को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के पास भेज सकते हैं। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर वो आजम खान को सदस्यता से वंचित भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक विकल्प ये भी है कि लोकसभा अध्यक्ष आजम खान को कड़ी चेतावनी देकर और वक्तव्य की कड़ी निंदा कर उन्हें माफ़ी भी दे सकते हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।